वेल गाइज, अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में इंट्रो देखा, बिल्कुल वैसा ही हम इंट्रो बनाने वाले हैं। सो गाइज, इस इंट्रो को बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल पे काइनमास्टर का एप्लीकेशन ओपन करना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे आपको बिना वाटरमार्क वाले काइनमास्टर का लिंक मिल जाएगा। सो सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है, देन आपको यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से एस्पेक्टेसियो 6:9 सेलेक्ट करके यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ कॉर्नर में आपको इमेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से व्हाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड जो व्हाइट कलर आपने ऐड किया था, इसको सेलेक्ट करना है और इसकी ड्यूरेशन को अराउंड 10 सेकंड तक कर देना है। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज, इस प्लेहेड को यहाँ स्टार्टिंग में लाना है। देन आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको मीडिया पे क्लिक करना है। जैसे आप मीडिया पे क्लिक करेंगे, आप अपने डिवाइस की गैलरी में चले जाएंगे। सो यहाँ से आपको अपने चैनल का लोगो ऐड करना है। सो यहाँ पे मैं अपने चैनल का लोगो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ गैलरी से अपने चैनल का लोगो सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको अपने लोगो को यहाँ थोड़ा सा छोटा कर लेना है और यहाँ बीचों बीच प्लेस कर देना है। इसके बाद आपको अपने लोगो की लेंथ को यहाँ एंड तक कर देना है, जितना बड़ा आपका बैकग्राउंड जो है वाइट कलर का है। इसके बाद कुछ इस तरीके से करने के बाद हमें फिर से अपने इस पॉइंटर को यहाँ स्टार्टिंग में लाना है। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ फिर से लेयर पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ फिर से मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको कॉर्नर में इमेज पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से वाइट कलर का जो इमेज है ये सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको थोड़ा सा इसे बड़ा करना है और बड़ा करने के बाद आपको इस तरीके से रोटेट कर देना है। वेल, कुछ इस तरीके से रोटेट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ राइट साइड में क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से मास्क को इनेबल कर देना है और यहाँ से इसकी फीदर को इंक्रीज करके अराउंड आपको 25 कर देना है। देन आपको यहाँ शेप पे क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले शेप को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस, फिर से हमें इसे अपने टाइम लाइन में सेलेक्ट करना है और यहाँ आपको लेफ्ट साइड में की का एक आइकन दिखेगा, चाबी जैसा, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ टाइमलाइन में प्लेहेड को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करना है और जैसे ही आप मूव करेंगे, यहाँ से आपको इस वाले सेक्शन को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना है, कुछ इस तरीके से। फिर आपको थोड़ा सा और आगे यहाँ टाइमलाइन में मूव करना है इस प्लेहेड को और इसे भी ड्रैग करना है थोड़ा सा ऊपर, ऐसे ही थोड़ा सा और, ऐसे करते करते आपको इसे अनकवर कर देना है कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से करने के बाद सिंपली आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो गाइज, हमने कुछ इस तरीके से एक एनिमेशन बनाया, अभी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। वेल, कुछ इस तरीके से एनिमेशंस बनाने के बाद सिंपली आपको यहाँ टाइमलाइन में इस क्लिप को सेलेक्ट करना है जो हमने अभी किया और इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है इस क्लिप की लेंथ को। कुछ इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे आपको पॉइंटर को लाना है एंड पे और यहाँ आपको राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ फिर से लेयर पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ फिर से आपको व्हाइट कलर वाले इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ राइट साइड में क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से क्रॉप करके पतला कर लेना है लाइक दिस। और यहाँ से आपको मास्क को इनेबल करना है और फीदर को आपको यहाँ फुल कर देना है 50। देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ इसे टाइमलाइन में सेलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा बड़ा करना है और ड्रैग करके नीचे लाना है। यहाँ नीचे लाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में फिर से यहाँ की वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग करना है और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। फिर आपको थोड़ा सा और आगे की तरफ टाइमलाइन में अपने प्लेहेड को ड्रैग करना है, फिर आपको इसे भी ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। ऐसे ही आपको पूरे ऊपर तक ड्रैग करते रहना धीरे धीरे। यहाँ टाइमलाइन में भी आपको मूव करना है और साथ में आपको यहाँ लोगों के ऊपर जो शेडिंग बना हुआ है वाइट कलर का, इसे भी मूव करना है ऊपर। जैसे ही ये चला जाए, आपको यहाँ से इसको रोटेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। देन आपको इस प्लेहेड को यहाँ टाइमलाइन में मूव करना है और यहाँ ड्रैग करके लाना है इसको ऐसे कुछ एंगल पे, और फिर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको पूरा यहाँ इस तरीके से कर देना है। फिर आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, यहाँ पे बस हम एक एनिमेशन बना रहे थे। कुछ इस तरीके से करने के बाद फिर आपको यहाँ इस फाइल को सेलेक्ट करना है और यहाँ आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम करके अराउंड 50 कर लेना है। सो कुछ इस तरीके से करने के बाद सिंपली आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, ये एनिमेशन बन गया है, एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। वेल गाइस, ये एनिमेशन बन जाने के बाद आपको इस क्लिप को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको छोटा कर देना है और ऐसे ही इस क्लिप को भी थोड़ा सा छोटा कर देना है।
देन आपको इस फाइल को सेव कर लेना है। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ कॉर्नर में एरो पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ से जिस भी रेजोल्यूशन में चाहे आप सेव कर सकते हैं। यहाँ मैं 1080p रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिटरेट को हाई रखना है और यहाँ सेव पे क्लिक करके सेव कर लेना है। सो गाइस, फाइल सेव करने के बाद सिंपली आपको यहाँ क्रॉस पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ से बैक हो लेना है। बैक होने के बाद यहाँ से हमें एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना है। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, फिर से आपको यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो 16:9 सेलेक्ट करके यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और इस बार यहाँ से हम एक टेम्पलेट यूज करेंगे, इंट्रो टेम्पलेट। सो जो टेम्पलेट मैं यूज करने वाला हूँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको अपनी गैलरी से जिस तरह से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आपको भी सेलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर देना है, देन आपको इस प्लेहेड को ड्रैग करके यहाँ कुछ इस तरीके से इतने वाले पॉइंट पे लाना है और यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ से जो अभी अभी हमने काइनमास्टर से एक फाइल बना के सेव किया एक एनिमेशन, उसको सेलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ से उस फाइल को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको मल्टीप्लाई को सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो गाइज, यहाँ पे हमारा इंट्रो ऑलमोस्ट बन चुका है। यहाँ पे मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा हमारा इंट्रो ऑलमोस्ट बन चुका है, बट यहाँ पे जो हमने लोगो का फाइल ऐड किया था ये हमारे मेन इंट्रो टेम्पलेट से थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे आपको इसे सेलेक्ट करके और यहाँ ड्रैग करके इसके बराबर कर लेना है। और इसके बाद आपको इस प्ले हेड को, इस पॉइंटर को आपको 6.5 पे लाना है, कुछ इस तरीके से। 6.5 पे करने के बाद सिंपली आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है, देन आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे अपने चैनल का नेम ऐड कर लेना है। सो यहाँ पे मैं अपने चैनल का नेम ऐड कर लेता हूँ, देन आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज अपने नेम को यहाँ ड्रैग करके नीचे लाना है और हमें इसके कलर को ब्लैक कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर है और जो मेन टेम्पलेट का बैकग्राउंड भी है वो व्हाइट कलर में है। सो ये समझ नहीं आ रहा है, सो आपको यहाँ व्हाइट वाले सेक्शन पे क्लिक करके और यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो ब्लैक करने के बाद यहाँ से हमें इसके फॉन्ट को चेंज करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ डबल ए वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको नोटो सेरिफ बोल्ड करके एक फॉन्ट मिलेगा, इसे सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे फॉन्ट चेंज करने के बाद सिंपली हमें अपने फॉन्ट के अंदर भी एनिमेशन ऐड करना है जो टेक्स्ट है। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ इन एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको स्लाइड करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको लेटर बाय लेटर करके एक एनिमेशन मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसकी टाइमिंग को 1.5 कर देना है। इसके बाद आपको इसकी लेंथ को भी ड्रैग करके यहाँ एंड तक करना है, फिर आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा इंट्रो कम्प्लीटली बन चुका है। अब मैं आपको फाइनली प्ले करके दिखा देता हूँ। वेल गाइस, जैसे कि आपने देखा हमारा इंट्रो काफी शानदार बना है। सो अब हमें इस इंट्रो को सेव कर लेना है। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जिस भी रेजोल्यूशन में चाहे इस इंट्रो को सेव कर सकते हैं। वैसे मैं अक्सर यहाँ 1080p सेलेक्ट करता हूँ, बिटरेट को हाई रखता हूँ, देन आपको यहाँ सेव पे क्लिक करके सेव कर लेना है। सो गाइस, होप कि आपको ये इंट्रो ट्यूटोरियल पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलिए मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।